السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد الإسم المُعرب تشريك ہیں مُعرب كي شيء के علاماته عقبت लम्मा ببيان انقسامه الى معرب ومبني जब मैं फारिग हो गया इसम की तारीफ से कुछ उसकी आलामतों को तो बयान करने के साथ यानी तारीफ़ भी कर दी और इसम की आलामत और ख़ूसियात भी बयान कर दी तो अक्ब तो झालिका इसके बाद मैंने बेबयान इन इनकस् ही ये बयान किया कि इसम की दो किस्में हैं इला मबिन और मबनी एक मौरब और एक मबनी मरबालसल मौरब को पहले जिक्र कर रहे हैं क्योंकि वह असल है एराब ही अरबी के अंदर असल है बदलना और मबनी को मखर किया क्योंकि वह फर्क है जिमनी है और मैंने ये जिक्र किया अन्नब के मौरब वो है मा तर आखिर हु जिसका आखिर बदलता रहता है, जो आते है उसकी वजह से मिसाल के तौर पर कजई दिन आप जैद को मोरब कहेंगे इन मिसालों में मरर तो भी बिजिन अल्लाह तरह क्या आप नहीं देख रहे हैं कि जैद का आखिरी यानी दाल तरबी बदल गया जम्मे से जईदन आया और राय तो जैदन में फतहा आया और मर तो भी जईदिन में कसरा आया बेसब अभी मादा खला ये तब्दीली हुई उस पर जो अवामिल दाखिल हुए मिंजा अनि यानी पहले में जा दूसरे में राई तो तीसरे में बा। बात तुर अगर आखिरी हरफ में तब्दीली ना हो बल्कि आखिर गैर आखिर में हो यानी बीच में हो तो यकुन एराबन, वो एराब नहीं होगा बीच में जो हरकत बदलती है वो एराब नहीं कहलाती है हम उर्दू में सबको एराब कह देते हैं चाहे पहले हर्फ पर हो दूसरे लेकिन अरबी के अंदर एराब सिर्फ आखिरी हर्फ पर जो होता है उसको कहते हैं ज़ा पर जो जबर है वो एराब नहीं कहलाएगा बल्कि ज़ईदन दाल पर जो है वो ऐरब कहलाएगा मिसाल के तौर पर फल्स फलसुन में फा मफतू है सगरत जब आप इसकी तस्वीर बनाएंगे तो फुलई सुन कहेंगे और जब इसकी जमा मुकसर बनाएंगे अब फलूसन कहेंगे और फलूसन कहेंगे तो ये जो फा में तब्दीली हुई पहले फतहा था फिर जम्मा आ गया और सुकून आ गया ये अरब नहीं है क्योंकि आखिरी हरफ नहीं है ये वहफिल आखिर इसी तरह से अगर तब्दीली हरकत की आखिर में हो लेकिन लई ले सब इस सबिल अवामिल आमिल की वजह से ना हो तो भी ऐराब नहीं कहलाएगा या वो तब्दीली ऐराब नहीं कहलाएगी मिसाल के तौर पर जलस तू जलसा सु आप हईसु हईसा हईसी तीनों ऐराब पढ़ सकते हैं यजूज अंतकुल हईसु हईसा हईसी तो ये हईसो मबनी बर्फ भी जायज है मबनी बरजम्मा भी जायज है मबनी बर कसरा भी जायज है तीनों तरह से इसको पढ़ा गया है ये आप जलस तो ही के साथ हाइसो भी पढ़ सकते हैं जलस तो हाइसो जलसा जईद जलस तो हईसा भी पढ़ सकते हैं। और जलस तो हाइसी आप नहीं देख रहे हैं कि आमिल एक है जलसा फिर भी आप तब्दीली के साथ पढ़ रहे हैं तो ये ऐराब नहीं कहलाएगा मबनी जब मैं मौरब को जिक्र करके फारिग हो गया तो मबनी का जिक्र किया मैंने बताया कि वो है मबनी जो एक ही तरीके पर लाजिम रहे और उसका आखिर ना बदले बेसब अदुलराब आ रहा है उसकी जो उस पर आमिल दाखिल हो रहा है उसकी वजह से उसके आखिर में तब्दीली ना हो उसको मबनी कहते हैं फिर इसकी मैंने चार किस्में की मबनी की मबनीसर मबनी सुकून ये चारों हालतें हो सकती हैं कसरा जम्मा और सुकून तो चारों तरह के मबनी होते हैं अल-मब्नीयूँ कसर फिर मैंने मबनी अल कसर को जिक्र किया तुल कियामी अलल कसर मबनी अल कसर की दो या किस्में किस्म है किस्मन मुतफ़ उन किस्मिन भी पढ़ सकते हैं तो किस्मिन उसी पर आप ताबे बना देंगे उसी का बदल बना देंगे किस्मिन मुतफ़िन आल एक तो किस्म मुत्तफ़क आल है यानी सब लोग उसको हाँ आखिर पर कसरा देते हैं लोग अहवाल तमाम हालात में रफी में भी नस्बी में भी जर्नी में भी ये मुतफक अल मबनी अल कसर है वह तो और एक किस्म मबनी कसर की वह है जिसमे अख्तिलाफ है वो कौन सा लफ्ज है हजामी और कपामी और इस जैसे आलाम अलमोसाम औरतों के नाम अलआतिया जो फले के वजन पर आते हैं हजामी कपामी सकाबी ये सब और अमसी जबकि आप इससे जो कल गुज्ता गुजरा है वो दिन मुराद लें से एक ये है कोई दिन, मैंने ये कल किया था मतलब पांच दिन पहले किया तब भी आप हमसी कह देंगे मुस्तकिल तो गुजरा है वो अब इसकी तशरीफ अम्मा बाबो हजामी हजामी को मुख्तलफी माना कसर में हजामी सकाबी को اسمك اختلاف اهل حجاز اسكون مبني على الكسر مانتے مطلقا وہ کہتے جا حزامی حزامی مانتے ہیں جاءتني حزامي رايت حزامي مررت بحزامي اهل حجاز اسكون مبني على الكسر شاعر کا یہ قول ہے فلولا المزعجات من الليالي لما ترك القطا طيب المنام اذا قالت حذامي فصدقوها महल इस हजामी है क्योंकि का है हजामी तो मरफो होना चाहिए था लेकिन हालत रफी में भी मरफो है बहरहाल हालत रफी में भी इसके कसरा है इसके जम्मा नहीं आया हालत रफी में हजामू नहीं आया हजाम नहीं आया क्योंकि ये मबनी अल कसरा है हालत रफी में भी मकसूर रहेगा ये महल इसद है शेर का तर्जुमा देखिए मन परेशान करना परेशान करना मुस्तरब करना बेचैन करना अगर परेशान करने वाली चीजें ना होती मुस्तरिब और बेचैन करने वाले उमूर ना होते मीनल रात में लमा तरक तीबल मनामी लौला का जवाब है लौला का जवाब लमा आएगा जैसे अल अलमू लमा नजतू अगर ऐम ना होता मैं कामयाब ना होता तो अगर परेशान करने वाले उमूर ना होते रात में तो कता परिंदे का नाम है कता ना छोड़ता। तीबल मनामी सोने की लज्जत को नौम, नींद की लज्जत को ना छोड़ता कता सोता नहीं है क्योंकि वो डरता है रात में कोई परेशानी तो नहीं आ जाएगी तो वही कह रहे हैं रात में अगर परेशानियां ना होती तो कता नींद की लज्जत को क्यों छोड़ता वो छोड़ता है होशियार रहने की वजह से इदा जब हजामी कोई बात कहे तो उस औरत की बात को सच्चा जानो तो क्योंकि बात वही रहती है जो हजामे कहती है यानी वो सच्ची बात कहती है फजक राहुल मर्रता तो हजामी को दो बार जिक्र किया कियात हजामी दोनों बार मक़सूद ज़िक्र किया हालांकि दोनों बार फाइल है इज़ाकालत हजामी में भी और माकालत हजामी में भी मुफ्तरकत बनो तमीम लेकिन ये अहल हिजाज के यहाँ है बनो तमीम के दो तबके हैं बनो तमिन बढ़ गए दो तबकों में बनो तमीन के बाद लोग इसको मोरब मानते हैं और कुल हो बिजम मौरब मानते हैं तो तालत कहेंगे रफान और नजम में कहेंगे राई तो हजामन बिलफत है जर में कहेंगे मरर तो बेहिन अच्छा तनवीन नहीं आएगी अफवान तनवीन नहीं आएगी क्योंकि यह गैर मुंशरफ है जाअ हजाम साहिब तो हजामा मरर तो बेहजामी तनमीन नहीं मरर तो बेहजामा जी गैर मुनशरीफ है मरर तो बेहजामा गलती हो जाती है तो गैर मुनशरीफ पर जर नहीं आता है लेकिन गैर मुनशरीफ मोरब मानते हैं गैर मुनशरिफ मोरब है क्योंकि दो तो बदल गए हैं राम अगरचे उसके ऊपर कसरा नहीं आया लेकिन जम्मा और फतेहा आ गया है तो इसका एराब नाकिस होता है गैर मुनसरिफ का जा अतनी तो मरर तो भी हजामा तो ये बनु तमीम का एक तबका इसको गैर मुनसरिफ का एराब देता है गैर मुनसरिफ तो होता ही है क्योंकि एक मोनस है एक आलम है अच्छा साहब तो अक्सर हम दूसरे अक्सर तबके के लोग यफसिलो फर्क करते हैं कि अगर औरत का नाम फल के वजन पर हो और आखिर में रा है जैसा कि वबारे कबीले का नाम है हज़ारे का नाम है सफारे ये एक चश्मे का नाम है इसमा इन तो अगर रा होगा तो मबनी अल अलकस माने जैसे हिजाजी मानते हैं और अगर रा नहीं है जैसा कि हजाम सकाबे तो गैर मुशरीफ का आरब देते हैं यानी बनु तमीम के दो तबके हैं एक तबका तो इसको गैर मुनशरीफ का मुतल देता है और एक तबका इसकी दो किस्म करता है के के वजन पर जो के नाम आते हैं कि अगर रा है आखिर में तो वह हिजाज के साथ हो जाता है यानी मबनी कसर और रा नहीं है आखिर में तो वह फिर बनु तमीम के अपने भाइयों के साथ हो जाता है यानी गैर मुनशरीफ का एराब देता है तो कहने का मतलब तीन तबके हैं अहले अरब के एक तबका तो मुतलकन उसको मबनी कसर मानता है एक तबका मुतलकन उसको मानता है गैर मुनशरीफ का एरब देता है बनू तमीन का और तीसरा ग्रुप यह है कि वो रा है तो राबनी अल कसर मानता है रा नहीं है तो गैर मुनशरीफ मानता है दावाना अनिल